स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग आपको ग्रुप डेटा जो पढ़ा रहे थे, उस ग्रुप डेटा में आपको कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा हमने तीन मेथड से डिस्कस किया है। आज हम लोग ग्रुप डेटा को डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा के रूप में यहाँ डिस्कस करेंगे, और ग्रुप डेटा के बाद में हम आपको लेस देन और ग्रेटर देन डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा कैसे सॉल्व किए जाते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको ग्रुप डेटा यहां लिख देते हैं। ग्रुप डेटा में एक हम आपको कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा लिखेंगे, कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, और ये है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। स्टूडेंट, हमने आपको ग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा सॉल्व करने के तीन मेथड हमने आपको बताया था। एक था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। आप इस जो तीन मेथड हमने आपको सॉल्व करने के लिए बताया था कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा के बाद में हम आपको डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। सबसे पहले हम लोगों को जानने की जरूरत है कि कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा क्या होता है। तो हम आपको यहाँ सबसे पहले ये समझा देते हैं कि ग्रुप डेटा कंटिन्यूअस क्या होते हैं और डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल हम इसके नीचे लिखते हैं। अगर आपके पास क्लॉस इंटरवल या क्लॉस है इस टाइप का लिखा हो कि 5 to 10 लिखा हो, 10 to 15 लिखा हो, 15 to 20 लिखा हो, इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जा रहा है, यहाँ पे ये लोअर लिमिट है क्लास का और ये अपर लिमिट है। जो फर्स्ट का अपर लिमिट होता है वो सेकंड का लोअर लिमिट बन जाता है, जो सेकंड का अपर लिमिट होता है वो थर्ड का लोअर लिमिट बन जाता है, ऐसे नेक्स्ट में 20 to 25 हो जाता है। इसको कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा कहते हैं। इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस called continuous group data class 5 to 7, 8 to 10, 11 to 13, 14 to 16। यहाँ स्टूडेंट आपको ये बताएंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा कहलाता है। यहाँ देख लें, इसमें और इसमें 1 का इंटरवल होता है, तो इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर देखें तो 10 और ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये भी एक डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा कहलाता है। ये डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा कहलाता है। क्लॉस में ये फर्स्ट क्लॉस इंटरवल है 5-7, ये सेकंड क्लॉस इंटरवल है, ये थर्ड क्लॉस इंटरवल है, ये फोर्थ क्लॉस इंटरवल है। जो फर्स्ट क्लॉस इंटरवल की अपर लिमिट है उससे 1 का जंपिंग है
और दूसरा जो क्लास इंटरवल है वो 8 से स्टार्ट होता है, तीसरा क्लास इंटरवल आपका 11 से स्टार्ट होता है, और इसके लोअर और अपर के बीच में 1 का इंटरवल होगा या किसी भी नंबर का इंटरवल होगा तो हम कहेंगे इसको डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। तो हमने आपको क्लास कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा सॉल्व करना सिखाया है 3 मेथड से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेन मेथड और आपको स्टेप डेविएशन मेथड। हम आज आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि ये जो डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है इसे कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जब ये डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप उस सवाल को जो हमने 3 मेथड आपको बताया उन 3 मेथड में से कोई एक मेथड यूज करके आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं जो डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा का होगा और उस ग्रुप डेटा को हम कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करके सॉल्व करें। स्टूडेंट हम आपको एक डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये क्लॉस है फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। ये क्लॉस है, ये फ्रीक्वेंसी है, ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन, थर्टी टू थर्टी फोर, थर्टी फाइव, थर्टी नाइन, फोर्टी टू फोर्टी फोर, फोर्टी फाइव टू फोर्टी सिक्स, फोर्टी नाइन, फिफ्टी, फिफ्टी फोर। फ्रीक्वेंसी में हम स्टूडेंट ले लेते हैं 16, 22, 10, 8, 6, स्टूडेंट 29 और 30 के बीच में 1 का इंटरवल है, 34 और 35 के बीच में 1 का इंटरवल है, 39 और 40 के बीच 1 का इंटरवल है, 44 और 45 के बीच 1 का इंटरवल है, 49 और 50 के बीच 1 का इंटरवल है। इसी जो इंटरवल आता है डिसकंटिन्यूअस शो करने के लिए इसका हाफ कर लेते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 इन लोअर लिमिट, ऐड 0.5 इन अपर लिमिट, लिमिट देन डिसकॉन्टिन्यूअस
ग्रुप डेटा कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा स्टूडेंट 25 में 0.5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा 24.5 और अपर लिमिट में लिखा हुआ है 0.5 ऐड कर देना है तो ये आपका हो जाएगा 29.5। ऐसे 30 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 29.5 और ये हो जाएगा आपका 34.5। 34.5 और ये हो जाएगा 39.5। 39.5 44.5 44.5 of 49.5 of 49.5 54.5 give frequency sixteen 22 10 8 6 4। ये स्टूडेंट आपका ये कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट हो गया। इस कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा को अब तीन मेथड जो आपको हमने बताया है उस कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा को आप तीन में से किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे लिखते हैं क्लॉस मार्क्स यहां पर लिखेंगे डी आई एक्स आई माइनस एज्यूम्ड वैल्यू और फिर यहां लिखेंगे यू आई डी आई बाई एच और यू आई इंटू एफ आई। चलिए स्टूडेंट आपको हम क्लास मार्क्स निकालना आपको पहले से बताए थे 24.5 प्लस 29.5 बाय 2 54 बाय 2 इसको कट करेंगे 27 मिलेगा। ट्वेंटी सेवन अब स्टूडेंट नेक्स्ट इंटरवल के लिए हम लोग लिखेंगे 29.5 प्लस 34.5 बाय 2 इक्वल टू 32। 34.5 प्लस 39.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 37।
39.5 प्लस 44.5 बाय 2 इज इक्वल टू 42, 45.5 प्लस 49.5 बाय 2 इज इक्वल टू 47, 49.5 बाय 2 प्लस 54.5 इज इक्वल टू 52। स्टूडेंट इसे काउंट करके एज्यूम्ड वैल्यू मानना हमने आपको सिखाया था। इसको आप काउंट करते हैं, काउंट करने में अगर ऑड आता है तो एक मिडिल टर्म्स होता है, जो मिडिल टर्म्स होता है वही एज्यूम्ड वैल्यू मान ली जाती है। अगर कोई इवन नंबर प्राप्त होता है तो उसके दो मिडिल टर्म होते हैं, दो मिडिल टर्म में से कोई एक मिडिल टर्म आप जो है एज्यूम वैल्यू के लिए कंसिडर कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका मतलब स्टूडेंट आपके पास दो एज्यूम्ड वैल्यू आएंगे मानने के लिए। 37 को एज्यूम्ड वैल्यू माने या तो कंसीडर करें 42 को, तो हम 42 को मान लेते हैं एज्यूम्ड वैल्यू ही। आप यहां पे वैल्यू रखेंगे 27 माइनस 42 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस। ऐसे यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट 32 माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 10, 37 माइनस 42 माइनस 5, 42 माइनस 42 0, 47 माइनस 42 5, 52 माइनस 42 इज इक्वल टू 10। यहां पर स्टूडेंट लिखा है डी आई अपॉन एच, एच की वैल्यू है 5, तो यहां लिखेंगे माइनस 15, माइनस 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 1, 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0, 5 बाय 5 इज इक्वल टू 1, 10 बाय 5 इज इक्वल टू 2। अब UI और FI, यहां पर स्टूडेंट FI है, x इज इक्वल टू 5 फ्रेंड्स बिटवीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x को बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाइंड आउट होता है। तो 9 में से 4 गए 5, माइनस 3 इंटू 16 माइनस 48 माइनस 2 इंटू 22 माइनस 44 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 10 0 इंटू 8 0 0 1 इंटू 6 6 और 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट जितने नेगेटिव नंबर्स हैं उसको रफ वर्क करके ऐड कर लेते हैं। माइनस 48 माइनस 44 माइनस 10 8 4 12 10, तो यहां पर आपका माइनस 102 हो गया और इसको ऐड करेंगे पॉजिटिव नंबर्स तो आएगा 14 और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे रफ वर्क में
88 माइनस 88, यहां स्टूडेंट हम इसको लिख देंगे समेशन यू आई एफ आई इज इक्वल टू -88। इसमें ऐसे बना लेंगे समेशन एफ आई 6 2 8 16 22 4 26 3 3 6 6 2 8 16 22 26 3 3 6। x बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समशन यू आई एफ आई बाय समशन एफ आई। ए की एज्यूम्ड वैल्यू स्टूडेंट यहां पर पुट कर देते हैं, ये है आपका 42, एच की वैल्यू 5 और यू समीशन यू आई एफ आई -88 अपॉन 66 11 8 जा 11 6 जा 5 4 जा by 3 42 minus 6 7। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 3 5 35 x बार। जब भी कोई स्टूडेंट डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलता है तो सबसे पहले आप उसको कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करें। जब वो कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट हो जाता है तो आप बताए हुए 3 मेथड से आप किसी में से किसी एक मेथड में से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल आपको और बताते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या रहता है। देखिए आपके सामने फिर एक नया क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप डेटा। अगर आप इसको पहचाने तो ग्रुप डेटा ये भी डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है, क्योंकि आप इसका अपर लिमिट और इसके लोअर लिमिट के बीच इस तरीके से आप देखें कि इसके बीच में 2 डिजिट का डिफरेंस है और यहां पर देखें तो आपके पास 2 डिजिट का डिफरेंस है, यहां पर देखें तो 2 डिजिट का डिफरेंस है और यहां भी 2 डिजिट का डिफरेंस है। इस प्रकार से 2 डिजिट का डिफरेंस है। तो हमने आपको अभी बताया था कि जो ये डिसकंटिन्यूटी में डिफरेंस आता है उसका हाफ करके लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से हम एक डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा को कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी आपकी इच्छा है कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम 2 है तो 2 का हाफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1। सब्ट्रैक्ट 1 इन लोअर लिमिट, ऐड 1 इन अपर लिमिट देन डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा converted into
कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा क्लॉज। स्टूडेंट ये वन को इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 24 मिला, और इसमें वन को ऐड किया तो 30 हुआ, वन को सब्ट्रैक्ट किया तो 30 हुआ, वन को ऐड किया तो 36 हुआ। 36 थर्टी फोर्टी एट हुआ, और 48 से आपका 54 हो गया। ये कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट हो गया। ये कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा है। फ्रीक्वेंसी सिक्सटीन ट्वेंटी टू ट्वेल्व ये आपका स्टूडेंट एक डिसकंटिन्यूअस ग्रुप डेटा। इस प्रकार से आपने इसको कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर लिया। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं हम। क्लास फ्रीक्वेंसी एफ आई क्लास मार्क्स ट्वेंटी फोर थर्टी 36, 36 to 42, 42 to 48, a 48, 54. फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं स्टूडेंट। समेशन एफ आई 16 22 12 10 6 6 2 8 10 16 2 और 2 4 4 2 6। एक्साई स्टूडेंट फाइंड आउट करना है तो 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 27। थर्टी टू 36 बाय 2 33। थर्टी सिक्स टू 42 बाय 2 39। फोर्टी टू
प्लस 48 बाय 2, 45, 48 प्लस 54 बाय 2, 51। अब स्टूडेंट आपको हमने बोला था कि इसको काउंट करिए, ऑड आता है कि इवन आता है उसके आधार पर अज्यूम्ड वैल्यू कंसीडर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, इट मीन्स एक मेडल टर्म्स होगा और वो मेडल टर्म्स है 39, यही अज्यूम्ड वैल्यू है। अब डी आई निकालते हैं, 27 माइनस 39 माइनस 12, 33 माइनस 39 39, 45 माइनस 39 अब 51 माइनस 39 एच की वैल्यू है 6, 6 टू सा माइनस 1, 0, 1, 2, 2 इंटू एफ आई 16 स्टूडेंट ये यू आई फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है डी आई अपॉन एच, एच शुड बी इक्वल टू 6, तो माइनस 12 अपॉन 6 माइनस 6 अपॉन 6 और 0 अपॉन 6, 6 बाई 6 इज इक्वल टू 1, 12 बाई 6 इज इक्वल टू 2, यू आई इंटू एफ आई है माइनस 2 इंटू 16 माइनस 32 माइनस 1 इंटू 22 माइनस 22, 0 इंटू 12, 1 इंटू 10, 2 इंटू 6। रफ वर्क करने के लिए हमने आपसे बोला था स्टूडेंट कि इस नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर लीजिए, माइनस 32 माइनस 22 ये हो गया 54, और इसके नीचे पॉजिटिव वैल्यू रख लेते हैं, 10 प्लस 12 22 और सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, 3 माइनस, तो ये स्टूडेंट हो गया माइनस 32। यहाँ पर आपका ये समशन एफ आई 66 है। मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समशन यू आई एफ आई बाय समशन एफ आई ए 39 प्लस 6 इंटू माइनस 32 अपॉन 66 11 39 माइनस 32 अपॉन 11 माइनस उसे डिवाइड कर लीजिएगा, सेवन से डिवाइड कर लीजिए,
ये स्टूडेंट जितने भी डिसकंटिन्यूअस के क्वेश्चंस थे, जितने मॉडल के, हमने आपको समझा दिया है और एक्सरसाइज आर्यस अग्रवाल से आप लोग इस चीज को पूरा कंप्लीट करिएगा दिया हुआ है। चाहे आप आरडी शर्मा से कंप्लीट करें, चाहे आर्यस अग्रवाल के। स्टूडेंट्स इस मेथड के आधार पर आप आईसीएसई के क्वेश्चन, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप 10 ईयर के क्वेश्चन भी आप इससे सॉल्व कर लीजिएगा और साथ में आपके 10 ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, एक्सरसाइज भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी आपके पास जो है बुक हो, चाहे वो आर डी शर्मा की हो, चाहे आर्यस अग्रवाल की हो, चाहे कोई अदर राइटर की बुक हो, उसको लेकर के आप सॉल्व करें। एक अनसॉल्व क्वेश्चंस पेपर ले लें और उससे भी 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। साथ में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको हमें भेजिए और हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन।